बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा था, मैं आपके साथ कुछ नाम अभिक्रियाएं, प्रमुख नाम अभिक्रियाएं लेकर आपके साथ हूं। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको मार्कोनिकोफ अभिक्रिया और खराज प्रभाव, ठीक है, जिसको हम प्रति मार्कोनिकोफ अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, लेकर आपके साथ हूं। आज हम इनके संदर्भ में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये अभिक्रियाएं किस तरह से कंडक्ट होती हैं। बच्चों संक्षिप्त में आपको बता दूं, सबसे पहले याद रखिए कि जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करेंगे ना, अभिक्रिया कोई भी हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अभिक्रिया जब भी आप प्रारंभ करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें तीन पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला पद बच्चों कि अभिक्रिया में आप अभिकारक क्या ले रहे हैं, ठीक, अभिकारक क्या लेंगे। उस अभिक्रिया में जो उत्पादक इस्तेमाल किया गया है, उत्प्रेरक, ठीक है, आपको यह देखना होगा कि उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक किस रूप में लिया गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण कि आपको उत्पादक क्या बनाना है या किस तरह का उत्पादक आपको प्राप्त होता है। बच्चों अगर आप अभिक्रिया के संदर्भ में ये तीन महत्वपूर्ण बातें अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को याद रखना और उसको समझना आपके लिए बहुत सरल एवं सुविधाजनक होता है। बच्चों मैं आपको मार्कोनिकोफ अभिक्रिया एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूंगा, तो चलिए चलते हैं मार्कोनिकोफ अभिक्रिया पर। मार्कोनिकोफ अभिक्रिया, बच्चों इस अभिक्रिया में थोड़ा सा इसकी रूपरेखा आपके समक्ष रख दूं। इस अभिक्रिया में हम सबसे पहले जो अभिकारक इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों अभिकारक में सबसे पहले हम लेंगे किसी एल्किल हैलाइड को, ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम यहां पर लेंगे असंतृप्त एल्कीन, ठीक है, असंतृप्त असंमित एल्कीन, ये हम सबसे पहले लेंगे। बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमको लेनी है इस अभिक्रिया को समझने के लिए, वो हमको लेना है क्या, हेलोजन अम्ल, दूसरा हमको लेना हेलोजन अम्ल। बच्चों इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो उत्पादक हम प्राप्त कर पाएंगे इस अभिक्रिया में, बतौर उत्पादक हम यहां पर प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना, हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे यहां पर, यह अभिक्रिया इस रूप में जानी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण अभिक्रिया का पद कि हम यहां पर जो उत्प्रेरक इस्तेमाल करेंगे, उत्प्रेरक, और वो उत्प्रेरक जो होगा बच्चों हमारा वो होगा अनुपस्थित, यानी यहां पर हमको किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक नहीं लेना है, लेकिन हमको फिर भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों मार्कोनिकोफ अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इतनी चीजें आपको पहले से ही जानकारी में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपके समक्ष रखा। बच्चों जल्दी से अब आपको इक्वेशंस एक्सप्लेन करके देता हूं, तो ध्यान दीजिए और समझिए। बच्चों सबसे पहले असंतृप्त असंमित एल्कीन के बारे में आपको बता दूं, इसको ध्यान से समझिए, मैं एल्कीन की अगर बात करता हूं, है ना, सिर्फ एल्कीन की, तो बच्चों याद रखिए दो प्रकार के एल्कीन होते हैं। बहुत कम ये जानकारी बच्चों को दी जाती है या लोग देते हैं क्योंकि आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए इसलिए इनकी जरूरत होती है, तो आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए, तो मैं आपको इसलिए ये जानकारी दे देता हूं। तो बच्चों एल्कीन जो है वो दो तरह के हैं,
दो तरह के एल्कीन में, एक एल्कीन कैसा है बच्चों, सममित है, सममित एल्कीन, ठीक है, और दूसरा एल्कीन कैसा है बच्चों, असममित है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि एल्कीन सममित है या एल्कीन असममित है। बच्चों अब याद रखिए, एल्कीन है तो वो ऑलरेडी असंतृप्त है ना, असंतृप्त और असममित तो होगा ही, असंतृप्त होगा क्योंकि डबल बॉन्डेड होगा। तो सममित और असममित के अंतर को समझिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला एग्जांपल है। दूसरा देखिए, मैंने लिखा बच्चों CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। इसी तरह से तीसरा भी लिख देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड, फिर इस पे नीचे CH3, फिर C डबल, इसके साथ एक बॉन्ड, ठीक है, और फिर उसके साथ बच्चों बॉन्ड CH3 इस तरह से, और फिर एक कार्बन पर CH3। तो देखिए ध्यान से और समझिए कि जब आपके एल्कीन असंतृप्त होते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर वो असंतृप्त है तो बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड एक्सपेक्ट होना चाहिए, वो देखने को मिलना चाहिए, और अगर वो असंतृप्त है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है। तो ये इससे पता चल गया कि वो कैसा है बच्चों, असंतृप्त है। अब सममित है ये कैसे पता चलेगा, तो उन डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, यहां पर दो है तो यहां पर भी दो है, यहां देखिए बच्चों एक है तो यहां पर भी एक है, यहां बच्चों देखिए एक भी नहीं है तो यहां पर भी एक भी नहीं है। तो जब द्विबंध वाले कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड बन रहे हो हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होगी, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपका एल्कीन असंतृप्त तो होगा लेकिन वो कैसा माना जाता है, सममित माना जाता है। जबकि असममित होने के लिए एग्जांपल देखिए, मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों डबल बॉन्ड अभी भी अवेलेबल है, इसका मतलब जो एल्कीन है वो अभी तो असंतृप्त है, लेकिन क्या वो असममित है, तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहां पर हाइड्रोजन की संख्या एक है जबकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या दो है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जो वो बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये जो कंपाउंड है ये असममित एल्कीन को निरूपित करता है। तो आपको सममित और असममित होने की जानकारी भी प्राप्त होगी। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मार्कोनीकोप अभिक्रिया में हम सममित असंतृप्त एल्कीन को लेकर मार्कोनीकोप अभिक्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको असममित असंतृप्त एल्कीन का उपयोग करना होगा, हम तभी मार्कोनीकोप अभिक्रिया को समझा सकेंगे और समझा पाएंगे। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपके सामने रखी। चलिए अब मार्कोनीकोप अभिक्रिया को समझ लेते हैं जल्दी से। मार्कोनीकोप अभिक्रिया, तो बच्चों मार्कोनीकोप अभिक्रिया के अनुसार मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब किसी असंतृप्त असममित एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया होती है तब द्विबंध वाले कार्बन पर हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक सिरा सदैव उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन
परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये मार्कोनिकॉफ के नियम को जस्टिफाई कर रहा है। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों हेलोजन अम्ल के रूप में मैंने ले लिया HBr। यहां पर उत्प्रेरक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्प्रेरक कैसा होगा बच्चों? अनुपस्थित होगा। ठीक है बच्चों, यहां से जो ये द्विबंध वाले कार्बन है, जब यहां से H और F के बीच का बंध टूटेगा तो बच्चों ये Br जो कि ऋणात्मक सिरा हैलोजन अम्ल का, ये उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां पर एक है और यहां पर दो है, तो Br इस पर जुड़ेगा और जो H है वो इस पर जाकर जुड़ेगा। बच्चों जो उत्पादक बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा CH3CH और CH2। देखिए मैंने सिर्फ द्विबंध को तोड़कर लिख दिया, Br अब बीच वाले पद में शिफ्ट हो रहा तो मैंने ऊपर Br जोड़ दिया, एक H इस पर शिफ्ट हुआ तो मैंने इसको 3 कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा बच्चों इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। बच्चों ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा ये मुख्य उत्पादक माना जाएगा। ठीक है, ये मुख्य उत्पादक के रूप में प्राप्त होगा और इस अभिक्रिया में ये लगभग 90% आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त बच्चों इस अभिक्रिया के विपरीत आपको सह उत्पादक के रूप में CH2CH2 और Br भी प्राप्त होगा जो कि सह उत्पादक माना जाएगा, जो कि नियम के विरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा और यह केवल 10% बनेगा अभिक्रिया में। ठीक है, इस तरह से ये एक माइनर प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यह कहलाती है बच्चों मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। इसके अलावा मैंने आपके साथ दूसरी अभिक्रिया ली और उस अभिक्रिया का नाम था बच्चों खराश प्रभाव। बच्चों ये जो खराश प्रभाव है, इस खराश प्रभाव को हम प्रति मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसी अभिक्रिया को बहुत सारे जो लोग हैं वो पर ऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो 11th क्लास में ये अभिक्रिया इन तीन नामों से एग्जाम में पूछी जाती है। मैं जल्दी से आपको इसका इक्वेशन रिपीट कर देता हूं बच्चों। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यहां पर जो उत्प्रेरक है इस बार वो उपस्थित होगा बच्चों। इस बार उत्प्रेरक को आप डिनाई नहीं करेंगे और जो उत्प्रेरक उपस्थित होगा वो होगा कोई भी परऑक्साइड, किसी भी तरह का परऑक्साइड यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली बच्चों ये प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया जो कि मार्कोनिकॉफ के विपरीत है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक सिरा इस बार उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, H उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी द्विबंध वाले कार्बन पर। तो जो उत्पादक बनेगा बच्चों वो इस तरह से बनेगा CH3CH2 और CH2, इस पर आ जाएगा Br। इस बार ये कहलाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये बच्चे जो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा ये मुख्य उत्पादक माना जाएगा। ठीक है, इस बार ये अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक होगा और ये लगभग 90% आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सह उत्पादक के रूप में वही आपको सह उत्पादक जो होगा वो अभिक्रिया के विपरीत बनेगा और वो इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, और ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन के रूप में। तो जस्ट डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा है कि अभिक्रिया एक दूसरे के साथ अदल बदल जाती है, अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होगी बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी कुछ और भी अभिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।